नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक जून के बाद भी लॉकडाउन, देश भर में 269 डॉक्टरों की मौत, कंगना संक्रमण से मुक्त। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 1 जून के बाद भी लॉकडाउन। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मरीजों की संख्या के आधार पर सरकार तय करेगी 1 जून तक लगे लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या इसमें राहत दी जाए। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर सरकार तय करेंगे कि 1 जून तक लगे लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाए या इसमें राहत दी जाए। एक और कोरोना का संकट ही है, वही दूसरी ओर चक्रवात ने भी कहर मचा रखा है। इसकी वजह से राज्य सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना जांच का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही जांच संख्या भी बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही लॉकडाउन लगाया गया हो, किंतु राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालय, निर्माण इकाइयां, आयात और निर्यात की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अनावश्यक रूप से बाहर घूमने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि कुछ माह बाद आने वाली तीसरी लहर से बचना है तो अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना जरूरी है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन एक चुनौती बना हुआ है। तो वही दूसरे देश भर में 269 डॉक्टरों की मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किए आंकड़े। देश में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है। ऐसे में फ्रंटलाइन वर्कर्स, खासकर डॉक्टरों पर ज्यादा फोकस है। उनको कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगातार वैक्सीन डोज दी जा रही है। दुखद यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब तक देश भर में 269 डॉक्टरों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। पहली लहर में 748 डॉक्टर के कोरोना चपेट में आने से मौत हुई थी। देश भर में अब तक 18,40,53,149 लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। बावजूद इसके लोग कोरोना की चपेट में खूब तेजी से भी आ रहे हैं। तो वही तीसरे और कंगना संक्रमण से मुक्त। अभिनेत्री कंगना रनौत ने बताया कि वह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गई है। कंगना 8 मई को संक्रमित पाई गई थी और घर में ही पृथकवास में रह रही थी। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि सभी को नमस्ते, आप सभी के प्रेम और शुभेच्छाओं से मैं अब संक्रमण मुक्त हो गई हूँ। कंगना का ट्विटर अकाउंट इस महीने की शुरुआत में इस सोशल मीडिया साइट के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए स्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। इसके बाद से अभिनेत्री इंस्टाग्राम पर सक्रिय है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।